हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और दोस्तों आज हम जीएसटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सर्कुलर सर्कुलर नंबर 89 को डिस्कस करेंगे जो कि 18 फरवरी 2019 को आया था। दोस्तों ये सर्कुलर बेसिकली जो ये बताता है कि अगर आप कोई रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या कंपोजिशन डीलर या यूआईएन होल्डर्स इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं तो आपको अपनी 3B और GSTR 1 में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भरना जरूरी है। दोस्तों जैसे ही इंटरस्टेट सप्लाई होती है IGST की इन्वॉल्वमेंट होती है, IGST की इन्वॉल्वमेंट होती है, सेंटर और स्टेट में शेयरिंग का इश्यू आता है। जब तक रजिस्टर्ड पर्सन जो भी से सप्लाई कर रहा है इंटरस्टेट ये नहीं बताएगा कि उसने किसको सप्लाई किया है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, कंपोजिशन डीलर को या यूआईएन होल्डर को, क्योंकि इन सब के केस में टैक्स जो है वो आगे पास नहीं होता, वहीं स्टे करता है। तो वो जो टैक्स है, जो आईजीएसटी टैक्स इंटरस्टेट सप्लाई में चार्ज जो है रजिस्टर्ड पर्सन ने चार्ज किया है वो वहीं स्टे कर जाता है जहां पर ये रेसिपियंट कंपोजिशन डीलर या अनरजिस्टर्ड पर्सन या यूआईएन होल्डर रेसिपियंट होते हैं। इसलिए रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इंटरस्टेट सप्लाई इन सबको कर रहा है ये बताना बहुत जरूरी है कि इनको मैंने सप्लाई की है। 3B में टेबल 3.2 में इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है और GSTR 1 में टेबल 7B में इंफॉर्मेशन देनी है GSTR 1 में। अब समस्या क्या आती है कि लोग ये इंफॉर्मेशन सप्लाई नहीं करते जिससे कि आपस में सेंटर और स्टेट का जो अपोर्शनमेंट है टैक्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाता, जिससे कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ IGST कंप्लाई नहीं हो पाता। इसके लिए सर्कुलर निकाला और उन्होंने स्पेसिफिकली इंस्ट्रक्ट किया कि अगर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरेस्टेड सप्लाई कर रहा है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन या टू कंपोजिशन डीलर या यूआईएन होल्डर या कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन यूआरपी को 2.5 लाख रुपए से ऊपर का इनवॉइस कर रहा है तो उसको अपने GSTR 3B और 1 में ये इंफॉर्मेशन प्रॉपरली डिस्क्लोज करनी है, टेबल 3.2 ऑफ GSTR B एंड टेबल 7B ऑफ GSTR 1। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो 125 सेक्शन में CGST एक्ट के उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी और वो पेनल्टी होगी अप टू 25,000 रुपए, मतलब पर ओकेजन 25,000 रुपए तक की। इट मे बी 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, एनी अमाउंट अप टू 25,000 तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है पर ओकेजन पर रिटर्न। सो प्लीज ध्यान दीजिएगा इस बात को, कंप्लायंस के लिए बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थैंक यू वेरी मच हमारी वीडियो देखने के लिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।